रॉकेट साइंस की दुनिया में भारत का एक और धमाका। DRDO ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल का किया सफल परीक्षण। पार्टिकल टेकन ऑफ। अब भारत की मिसाइलें ध्वनि की गति से 6 गुना तेज रफ्तार से करेंगी दुश्मनों को नेस्त नाबूद। यह तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बना भारत, और दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के अलावा किसी भी देश के पास नहीं फिलहाल यह तकनीक। सन 2020 सितंबर, दिन सोमवार, भारत ने इस दिन वैज्ञानिक उपलब्धियों की दुनिया में एक और जबरदस्त छलांग लगाई। DRDO यानी भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग ने इस दिन एक ऐसे सिस्टम का परीक्षण किया जिससे आने वाले दिनों में भारत की मिसाइलें ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक रफ्तार हासिल कर सकेंगे। हाइपरसोनिक टेक्निक डिस्ट्रीब्यूटर व्हीकल नाम के इस सिस्टम का सोमवार को उड़ीसा के बालासोर मिसाइल रेंज में परीक्षण किया गया। एक तेज रफ्तार स्क्रैमजेट इंजन अग्नि मिसाइल बूस्टर इंजन को अंतरिक्ष में 30 किलोमीटर के ऊंचाई तक ले गया। यहां पहुंचकर दोनों इंजन अलग हो गए। इसके बाद डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल का इंटेक खुला जिससे स्क्रैमजेट इंजन चालू हो गया। यह प्रक्रिया 20 सेकंड तक चली और इस दौरान इंजन ने 6 मैक यानी ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक रफ्तार पकड़ ली। यह पूरे प्रोजेक्ट DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी के निर्देशन में पूरा किया गया। इस परीक्षण की कामयाबी से भारत यह तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पहले केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास ही यह तकनीक थी। भारत के रक्षा अनुसंधान विभाग से जुड़े जानकारों का मानना है कि इस तकनीक की कामयाबी के बाद आने वाले 5 वर्षों के भीतर भीतर भारत हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में सक्षम होगा। भारत में अब तक विकसित हुई सतह से सतह तक मार करने वाली मिसाइलें जैसे अग्नि और पृथ्वी, सतह से वायु में प्रहार करने वाली मिसाइल जैसे आकाश, और टैंक नाशक मिसाइल नाग जैसी अनेक मिसाइलें इस तकनीक के प्रयोग के बाद और अधिक घातक हो जाएंगी। इस तकनीक का फायदा इसरो को भी मिलने वाला है। इसरो इस तकनीक का प्रयोग कर छोटे उपग्रहों को बड़ी सस्ती लागत में अंतरिक्ष में स्थापित कर सकेगा। वास्तव में हाइपरसोनिक टेक्निकल डेमोंस्ट्रेटर व्हीकल नाम की ये सिस्टम हर भारतवासी के लिए एक गर्व का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यही तकनीक विनाशकारी सिद्ध होने वाली है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे ऐसे और किसी विषय के साथ जल्दी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।